हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC नेट क्रिकर में आपका स्वागत है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सरकारी नौकरी से रिलेटेड है। इस वीडियो में नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों के बारे में बताने वाला हूं। इस वीडियो में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे मेट्रिक लेवल, नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी और यहाँ पे फॉर्म ऑफ अप्लीकेशन यानी अप्लीकेशन फॉर्म, पोस्ट वाइज अप्लीकेशन फॉर्म दिया है जो आपको फिल करना है। इसमें लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें मेडिकल ऑफिसर मेल के लिए कुल एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। L10 का पद है 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये प्लस NPA सैलरी है। और इस पोस्ट के लिए Annexure 1 अप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इसमें जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस पर सेंड करना है। सीनियर डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। L11 का पद है 67,700 से लेकर 2,87,000 सैलरी है और कुल एक पद है। इस पद के लिए Annexure 2 जो अप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करके सेंड करना है। ये पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। अकाउंट ऑफिसर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। L7 है 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये सैलरी है। कुल दो पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और बाई ट्रांसफर ऑन डेपुटेशन बेसिस पे आवेदन आमंत्रित हैं। अप्लीकेशन फॉर्म में Annexure 3 फिल करके सेंड करना है। प्रोग्रामर के लिए कुल दो पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, सैलरी सेम है और यह जो पद हैं डेपुटेशन या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी फिलिंग भी बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड पर है और इसके लिए Annexure 3 है वही फिल करके सेंड करना है। यानी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हैं उसके लिए Annexure 3 फिल करना है, सॉरी जो डेपुटेशन बेसिस पे हैं उसके लिए Annexure 3 फिल करना है और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पद पर हैं उसके लिए Annexure 2 फिल करके सेंड करना है। अकाउंटेंट के लिए कुल 5 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, यह पद डेपुटेशन बेसिस पे हैं और इस पद के लिए Annexure 3 अप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सेंड करना है। ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर के लिए कुल एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और L6 का पद है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये सैलरी है। Annexure 2 अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सीनियर आर्टिस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, सैलरी सेम है, कुल एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और Annexure 2 फिल करके सेंड करना है। आपका अप्लीकेशन फॉर्म 30 सितंबर 2022 से पहले इसमें जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस पे पहुंचना चाहिए। हम बात करते हैं कि यह जो वैकेंसी है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है यह कहाँ पे आया है, तो दी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में यह आवेदन आमंत्रित किया गया है। इन सभी पदों के लिए कौन से पद डेपुटेशन बेसिस पे हैं और कौन से पद सरकारी हैं इसके लिए सैलरी क्या है, तो अब नीचे आते हैं। यहाँ पर जो आते हैं तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अदर डिटेल जानकारी सब दी गई है। तो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी आपको देखना है, एक्सपीरियंस से रिलेटेड डिटेल जानकारी देखना है। इससे पहले मैं बता दूं कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यानी इस चैनल पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाता है। तो आप चाहते हैं कि सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। जो लाइब्रेरी साइंस में पोस्ट हैं सीनियर डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर का पोस्ट है इसके लिए क्वालिफिकेशन में जो है UGC नॉर्म्स के अनुसार हैं, यानी मास्टर डिग्री लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस हैं, साइंस सब्जेक्ट से यानी सोशल साइंस सब्जेक्ट से होनी चाहिए, मास्टर डिग्री में सोशल साइंस से होना चाहिए, साइंस या सोशल साइंस से, और साथ में लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस में मास्टर डिग्री है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर से रिलेटेड ज्ञान होनी चाहिए। इस तरह से सभी पोस्ट के लिए पोस्टवार क्वालिफिकेशन दी गई है, इसमें एक्सपीरियंस दिया गया है। तो ये सब डिटेल जानकारी आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ना है। यह जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं अपलोड कर दिया हूँ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डिटेल जानकारी आपको डाउनलोड करके एक बार पढ़ना है। यहाँ पे आते हैं तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन दिया है, तो अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले जनरल टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। जो एज लिमिट है 1/7/2022 को पूर्ण होना चाहिए और जो एज लिमिट है ये इसमें डिटेल जानकारी दी गई है। हम बात करते हैं जो अप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको कैसे फिल करना है। इस अप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए कुछ अप्लीकेशन शुल्क लग रहा है, तो सबसे अप्लीकेशन फॉर्म है एडवर्टाइजमेंट में दिया है, या तो आप वेबसाइट पर जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके, इसमें नीचे Annexure दी गई है।
हम एप्लीकेशन शुल्क की बात करते हैं तो 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं, और जो पोस्ट नंबर हैं जो सीरियल नंबर 1 और 2 हैं उसके लिए 300 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं जो आपको DD बनाकर पे करना है। और भी इसमें डिटेल जानकारी दिया है तो डिटेल जानकारी से रिलेटेड आपको इसमें जानकारी देखना है एक बार। एप्लीकेशन शुल्क, एप्लीकेशन फॉर्म, कैटेगरी वाइज पोस्ट, ये सारी डिटेल जानकारी आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके पढ़ना है। यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में एप्लीकेशन शुल्क भी दिया हुआ है कि किस पोस्ट के लिए कितना एप्लीकेशन शुल्क लग रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। तो आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा